ऑक्सीजन थली सैंड चलिए चला शर्माती है तुझको शर्म क्यों आती है कातिल तेरी निगाहें है तू काट कले जले जाती है तुझे मैं नशा है तू बिल्कुल अफीमा है धीमे 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 दादू अब गिलहरी देखे दो डांडू माचो मास ना मार्यो की टोली रे दादू ना म्योली ही लास ना गोलागल सोरी रे दादू ना नाक नथू Thank you.
रोल। हम जब पहाड़ों में सफ़र करते हैं तो एक ख़ास किस्म का एहसास होता है कि कभी हम बर्फ़बारी को देख सकें, महसूस कर सकें उस बर्फ़बारी को, और इस समय वो एहसास हमें हो रहा है। देखिए ये धनोल्टी मसूरी चंबा जो रोड है उसका नज़ारा है, और चारों तरफ इस समय ऐसा लग रहा है कि बस सफ़ेद हैं, पेड़ सफ़ेद हैं, सड़कें सफ़ेद हैं, ये पहाड़ सफ़ेद हैं, क्योंकि बर्फ़बारी हो रही है। और बर्फ़बारी भी ऐसी कि सब कुछ जाम हो गया है, सड़कें जाम हो गई हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं। और ये अंदाज आप लगाइए कि देहरादून ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम इलाकों से लोग पहुँचे हुए हैं। माइलस्टोन आप देखिए, यहाँ से देहरादून 53 है और केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी है। तो कितनी बर्फ़बारी हो रही है, पेड़ जो हरे हैं वो सफ़ेद हैं, इस समय पहाड़ पूरा सफ़ेद है, ये देखिए पूरा पहाड़ सफ़ेद है। और ये एहसास करा रहा है इस समय कि हम भारी बर्फ़बारी में खुद भी फंस चुके हैं। पिछले एक घंटे से हम यहाँ कैद हैं इस सफ़ेद चादर में, लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी मुश्किलों के बावजूद जो एहसास है वो बहुत मंत्रमुग्ध कर दे रहा है। आइए मसूरी घूमिए और देखिए और लुत्फ़ उठाइए इस हसीन क्षण का और इन हसीन वादियों का।